कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज मौसम भी दिल्ली में बहुत सुहाना हो रखा है, सुबह से बारिश हो रही है। तो इसी सुहाने मौसम से रिलेटेड एक प्रोडक्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आपने देखा होगा, क्लाइंट्स आपके कई क्लाइंट्स होते हैं, वो डिमांड करते हैं हमें आउटडोर के लिए वाटरप्रूफ स्पीकर चाहिए, जो हमारा फुल्ली वाटरप्रूफ हो, लाउड साउंड दे और पानी आए तो हमारा स्पीकर खराब ना हो। उसी से रिलेटेड एक स्पीकर मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ, JBL का AWC62 स्पीकर। AWC का मतलब है ऑल वेदर कॉम्पैक्ट स्पीकर, 62 इसका मॉडल है। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके रिव्यू देखेंगे, इसकी डिटेल देखेंगे, क्या क्वालिटी है इसमें वो देखेंगे। तो चलिए आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसके स्पीकर के बारे में कुछ जानते हैं। तो ये है हमारा कंट्रोल AWC62 स्पीकर, हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। आप देखिए पैकिंग भी काफ़ी अच्छी आती है इसकी। इसके अंदर आप देखेंगे ये आपको ब्रैकेट आता है, आप इसको वॉल पे और किसी पोल पे कहीं भी लगा सकते हैं, इसको हर जगह ये फिक्स हो जाता है। और उसके साथ इसमें एक स्पीकर आता है, आप ये देखिए स्पीकर इसमें, मैं इसको भी निकाल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है हमारा JBL का कंट्रोल AWC62 स्पीकर। आप देखिए यहाँ JBL का लोगो, और आप देखिए इसकी बॉडी देख रहे हैं, काफी स्ट्रांग बॉडी है, मटेरियल से बना है ये। इसके पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए यहाँ पर ये आपको वायरिंग के लिए आपको किस पे सेट करना है। यहाँ इनके दो हैं, प्लस माइनस और थ्रू के। थ्रू देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए ये नॉब दी गई है, यहाँ पे ये नॉब आप देखिए आपका सोर्स सिलेक्शन के लिए है, आपको किस पे चलाना है। दोस्तों देखेंगे अभी आपका 8 ओम्स पे, डायरेक्ट 8 ओम्स पे ये कनेक्टेड है। अगर आपको इसको नॉर्मल 100 वोल्ट पे चलाना है, 70 वोल्ट पे चलाना है, जस्ट यहाँ पे आप अपना स्क्रू ड्राइवर या कुछ भी रखिए और इसको घुमा दीजिए लेफ्ट और राइट, और आप इसका सोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं किस पे आपको सिलेक्ट करना है। ये जिस साइड में होगा वहीं पे आपका, जैसे 100 वोल्ट पे करना है तो उस पे हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे यहाँ मॉडल भी लिखा हुआ है, इसका सीरियल नंबर भी लिखा हुआ है, दोनों लिखा हुआ है। सीरियल नंबर इसका ओरिजिनलिटी को डिस्क्राइब करता है। स्पीकर मैं बता दूं आपको, 120 वाट इसकी कंटिन्यूस पावर है, 175 वाट ये प्रोग्राम पावर देता है, 8 ओम्स इम्पीडेंस और 100 वोल्ट 70 वोल्ट दोनों पर ये आपको 120 वाट की पावर देता है कंटिन्यूस। उसके अकॉर्डिंग आप इसको चला सकते हैं, और ये स्पीकर आप कहीं भी वॉल में लगा सकते हैं। काफी हैवी स्पीकर है, बट वेट में आपका मैक्सिमम 6-7 kg का स्पीकर है ये, और है काफी हैवी। आप इसको ऑल वेदर समझिए, आप इसको कहीं भी लगाइए, ना इसमें मॉइस्चर आएगा ना इसमें कोई पानी आएगा, ये आपका बिल्कुल एकदम बिना किसी रुकावट के स्पीकर आपका चलेगा। इसके साथ आप, मैं बता दूं क्या क्या एक्सेसरीज आती है। एक ये ब्रैकेट आता है इसके साथ, ये ब्रैकेट सिंपल आपका सिंपल ब्रैकेट है, इस तरीके से आपको ये नट निकालना होता है, मैं आपको दिखाता हूं। इस तरीके से आप ये नट जो है इसका देखेंगे, यहाँ पे आपका ये नट इस तरीके से टाइट हो जाता है। दूसरी साइड भी आपका नट इसी तरीके से लगा हुआ है, उसको भी निकाल के आप इसको फिक्स कीजिए, टाइट कर लीजिए। उसके बाद ये आपका ब्रैकेट बनता है इस तरीके से, देखिए। अब इसको आप अपने कहीं भी किसी पोल पे ऐसे लगा सकते हैं, इस तरीके से लगा सकते हैं, टिल्ट कर सकते हैं, ऊपर लगा सकते हैं, वॉल पे लगा सकते हैं, चाहे जहां लगाइए आपका आसानी से। यहां से सिंपल आप ड्रिल कीजिए, स्क्रू कीजिए, टाइट कीजिए, हो जाएगा ये आपका कनेक्ट। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, इसके साथ ये एक प्लेट आती है। ये प्लेट मैं बता दूं किस काम आती है आपके, ये प्लेट आपका जो पीछे के नेटवर्क प्लेट का फंक्शन है उसको पूरी तरीके से कवर करने के लिए होती है। इस तरीके से ये कवर हो जाता है, चारों तरफ से आप स्क्रू कर दीजिए, ये आपका कवर हो गया। इस तरीके यहां से आपकी कनेक्ट होती है वायर, वायर को आप यहाँ से सिंपल इस होल से आप वायर निकाल के आप पीछे से अपना कनेक्ट कीजिए, ये आपका पूरा स्पीकर इस तरीके से इंस्टॉल होता है। बाकी मैं आपको अभी इस वीडियो के साथ एक वीडियो और अटैच करूंगा, उस वीडियो में आप देखेंगे हमने रायपुर छत्तीसगढ़ में, आप उसमें देखेंगे हमने इस स्पीकर को लगाया हुआ है, और आपको मैं दिखाऊंगा किस तरीके से हमने इसको वहां लगाया है। और आउटडोर में बहुत बेहतरीन साउंड देता है ये, लाउड के लिए बहुत अच्छा साउंड है, आपका स्पीच के लिए, म्यूजिक के लिए इसमें बहुत अच्छी फ्रिक्वेंसी है। 110x110 डिग्री का ये इसका कवरेज पैटर्न है, तो आप सोचिए कितना हाई कवरेज पैटर्न है। और 6.2 इंच स्पीकर ड्राइवर के साथ ही आता है, फुल्ली टू वे स्पीकर है ये आपका,
तो इसमें आपके दो तीन मॉडल और आते हैं, एक 8 इंच में भी आता है, एक 12 इंच में भी आता है, तो आप अपने रेंज के हिसाब से जैसा आपको लाउडनेस चाहिए, क्लाइंट को चाहिए, तो आप ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं आगे। दोस्तों ये गार्डन आप देख रहे हैं, ये पूरा रिसॉर्ट है। यहाँ हमने 10 स्पीकर लगाए हैं। ये अप्रोक्स 4,000 स्क्वायर फीट का रिसॉर्ट था, रायपुर छत्तीसगढ़ में, फिलिंदा ब्लैंक्स नाम से। यहाँ हमने AWC 62 स्पीकर लगाए हुए हैं। आप देखिए, ये अभी हमने थर्माकोल के ऊपर रखे हैं, क्योंकि क्लाइंट इसको एक 3 फुट का बेस बनाकर उस पर रखना चाहता था, उसको वॉल पे नहीं लगवाने थे इसलिए। तो आप भी इसी तरह लगा सकते हैं, बहुत बेहतरीन साउंड आता है इसमें, काफ़ी लाउड के लिए बहुत अच्छा है ये, लाइव के लिए भी अच्छा है। तो आप इसको लगा सकते हैं, लगाइए, और कोई प्रॉब्लम आती है कहीं इंस्टॉलेशन में, सॉल्यूशन समझने में, तो आप बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पूरी इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। धन्यवाद। तो दोस्तों आपने वीडियो में देखा किस तरीके से हमने स्पीकर लगाए हुए हैं रिसॉर्ट में, और बिलीव मानिए रिसॉर्ट में बहुत अच्छा साउंड दे रहा था ये उस टाइम पर हमने जब लगाया था, और क्लाइंट भी काफी खुश था। तो आप अपने क्लाइंट को खुश करना चाहते हैं तो कुछ इस टाइप के आउटडोर सॉल्यूशंस दीजिए उनको, जिससे वो खुश हों, आपके पास बार बार आए। और इससे इसकी इंस्टॉलेशन से रिलेटेड आपको कोई भी डिटेल चाहिए, कोई सॉल्यूशन चाहिए, तो आप बिल्कुल मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी सारी डिटेल दूंगा, आप मुझसे संपर्क कीजिए। बट उससे पहले मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैं इस और भी आगे नए नए प्रोडक्ट्स की डिटेल आपको देता रहूँगा, क्लाइंट के अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन देता रहूँगा। जैसे आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारे सॉल्यूशन, वॉल माउंट, सीलिंग, सारे सॉल्यूशन मैं आपको और प्रोडक्ट की जानकारी सब कुछ देता रहूँगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, धन्यवाद, गुड बाय, आपका दिन शुभ रहे।